जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन डेट है 2 जनवरी, और ये वीडियो अपलोड होगी शायद ये 3 जनवरी हो जाएगी, और जो ये सीरीज जो रिलीज़ हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी को रिलीज़। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं अपने घर से आया 2 जनवरी को, मतलब जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन अपने घर से आया हूँ। तो अपने घर से और दिल्ली से आने के बीच में जो टाइम लगता है वो लगता है 3.5 घंटे। तो मैंने सोचा यार 3.5 घंटे में क्यों ना एक वो सीरीज़ देख लें जो अभी रिलीज़ हुई है, गोस्ट स्टोरी जिसे कहते हैं, कहते क्या है वो है ही गोस्ट स्टोरी, जिसे डायरेक्ट किया है, 4 डायरेक्टर हैं उसके, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, करण जौहर, दिबाकर बनर्जी, इन चारों ने इसे डायरेक्ट किया है। हर एक की अपनी अपनी एक स्टोरी है। जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की देखनी तो इसका जो पहला जो एपिसोड था वो मैंने सोचा यार ये ख़राब है, चलो ये ख़राब है, इसके बाद जो बाकी के जो एपिसोड होंगे वो जो 3 एपिसोड बचे वो अच्छे होंगे, कोई ना कोई पहला एपिसोड जैसे तैसे झेल लेते हैं। तो भाई पूरी अगर मैं आपको इसकी कहानी बताऊं कि ये गोस्ट स्टोरी है जिसमें भूतों की कहानी बताई जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ में, इस सीरीज़ में ये है कि इसमें कहीं पर भी कोई भूत नहीं है, भूतों का मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि भूतों को अपनी अपील दर्ज करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भी ऐसे ऐसे डायरेक्टर आ रहे हैं जो बिना वजह उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो उनकी एक इमेज है लोगों को डराने वाली वो शायद अब कहीं ना कहीं ख़राब करने वाले हैं। और कसम से इतनी वाहियात सीरीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, सच में इतनी कचरा सीरीज़, इतनी बेकार वाहियात बोरिंग घटिया सीरीज़ मैंने आज तक कभी लाइफ में नहीं देखी। जो भी इसके अंदर कास्ट है, और जो सबसे पहले जो इसका एपिसोड दिखाया गया, जानवी कपूर जो जिसमें रोल दिया है उनको नेपोटिज्म वाले, तो जैसे वो सीरीज जो उनका पहला एपिसोड स्टार्ट होता है, एक तो उनको ना अपनी एक्टिंग पे काम करना चाहिए, सच में लिटरली उनको अपनी एक्टिंग पे काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, अब क्या सोचा कि अगर जानवी कपूर को अगर पहले एपिसोड में दिखा दोगे तो पूरी सीरीज़ क्या भाई अब तुम्हारी हिट हो जाएगी। अब एक क्या अब कौन सा लॉजिक लगा कि कौन सा महंगा फूंक के बैठे हो यार, ये सीरीज़ आप पसंद करना तो दूर की बात, ये सीरीज़ आपको समझ तक नहीं आने वाली। इसमें दिखाया क्या जा रहा है, क्यों दिखा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं, घटिया, एकदम घटिया वाहियात, कचरा 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 है ये। और एक और चीज़, जैसे जैसे इसका एक एक एपिसोड बढ़ता चलेगा, मतलब कि पहले से जब ये चौथे पे जाएगी उतनी ही ये घटिया होती चलेगी। अरे पहले तो थी घटिया, लास्ट में जाते जाते तो इतनी घटिया हो जाती है यार, कोई हद नहीं होती। और लास्ट में पता है किसका एपिसोड शो होता है, करण जौहर का, जो भैया नेपोटिज्म के फादर है। क्या है भाई, उनको उनके हिसाब से तो भूत भी अमीर होते हैं, कमाल है, कमाल की इमेजिनेशन बंदे की यार। और क्या डायलॉग था उस लास्ट एपिसोड में, वो गुजरी नहीं वो बस मर गई हैं। क्या शो कर रहे हो, क्यों सर में दर्द कर रहे हो, किस लिए बना रहे हो, कुछ सोच समझ के बना लिया करो। मुझे लगता है क्या आज के बाद ना कि जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब में जाने से पहले एक एग्ज़ाम देते हैं, एक या बहुत सारे एग्ज़ाम वो क्रैक करते हैं तब जाके उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, कोई भी डायरेक्टर है तो उन्हें एक एग्ज़ाम उन्हें देना चाहिए। मुझे लगा गवर्नमेंट को एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए, जो जो घटिया राइटर है ना, जो घटिया राइटर जो घटिया डायरेक्टर जो है उनको बाहर करना चाहिए कि भाई तुम डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हो, तुम जाके कहीं और ट्राई करो यार, तुम्हारा करियर कहीं और है। क्यों क्यों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों लोगों के सर में दर्द कर रहे हो। अब ये वेट कर रही होगी इस सीरीज़ को स्टार कितने दो, मेरा तो कोई मन नहीं है इसको स्टार देने का। स्टार तो कोई ढंग की चीज़ होती है तब दी जाती है, ढंग का तो दूर का बात है यार, दूर इसमें कोई मैंने शब्द कैसे यूज कर लिया है ढंग की, इसके लिए तो वो भी शब्द बहुत महंगा शब्द है इस सीरीज़ के मुकाबले। न्यायत घटिया सीरीज है, फिर से कहूँगा कचरा है कचरा कचरा, इसे कोई स्टार नहीं दूंगा, 10 में से 0 या -1 भी, ठीक है। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, अपना पूरा दिन जो मैंने आने का जो ट्रैवल का जो कसम से सर में दर्द कर लिया मैंने ये सीरीज़ देख के। आगे से सोच रहा हूँ कम से कम कोई बुक ही पढ़ लिया करूँ आते जाते, कम से कम दिमाग तो शांत रहेगा, ये कचरे से देखने से बेटर है। क्यों डरा रहे हो यार वेब सीरीज़ के नाम से, डरा रहे हो यार हमको कि वेब सीरीज़, तुमने गोस्ट स्टोरी नहीं बनाई, तुमने वेब सीरीज़ को एक गोस्ट बना दिया कि यार तुम्हें इससे डरना चाहिए कि आज के बाद अगर हम आएंगे तो ऐसा कचरा लेके आएंगे, तुम्हें डरना चाहिए, वो डरा रहे हो हमें, प्लीज़ मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।